हे गवर्नेस, वेलकम टू द वीडियो। और आप देख सकते हो मेरे मिस्टर प्लागियस हैं 5545। सो एक और स्किन मेरे को पुट करनी है और मेरा स्कल्पचर्स भी है। सो आज हम मिस्टर प्लागियस को एक्सपर्टीज करेंगे। और उससे बड़ी न्यूज़ है, मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ है वो, सही में कसम से। सो हमारा केवीके का मतलब वो हो चुका है अपना, मतलब केवीके स्टार्ट तो होने वाला है एक दिन में। और हमारे ये मैचिंग हो चुका है। सो हम लाइट वाले जो भी लाइट हैं इसमें हम, और तो मतलब आप मतलब पागल होने वाले हो अभी थोड़ी देर में। सो जो क्या कहते हैं, आपको पता होगा 1059 किसका किंगडम है। यस गाइस, JWM के साथ हमारा केवीके होने वाला है। और हमारी साइड एक क्या कहते हैं मैवरिक, आप सब जानते होंगे जो सबसे बड़े प्लेयर हैं मतलब राइज ऑफ किंगडम में, जो सबसे ज़्यादा पावर है जिनकी, वो हमारे साथ अलाइज हैं। मतलब ये लाइट किंग, मतलब उनका साइज 1076 है, मे बी यही है। सो हमारा जो भी किंगडम है इनकी फाइट है JWM वालों के साथ। डैम, खतरनाक ही होने वाला है। सो अभी देखेंगे। सो अभी पूरे किंगडम यही चल रहा है JWM। सो गाइज, अभी प्लागियस को एक्सपर्टीज करते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड एंजॉय द वीडियो। हे गवर्नेस, वेलकम बैक, दिस इज कीकी। और आज मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और आज हम प्लागियस को भी एक्सपर्टीज करेंगे। और आज मैं एक नया, मेरे पास इक्विपमेंट है वही बना है, मतलब बना नहीं, मतलब उसका नाम मेरे पास शील्ड है कुछ, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं। तो गेट कीपर सील का मेरे पास ब्लूप्रिंट है। सो आज इसको, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सॉरी इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज। और एक्साइटेड तो हो तो यार, JWM के साथ हमारा KVK, मतलब मैं इतना कुछ ज़्यादा मेरा रोल नहीं रहेगा, बट स्टिल देख तो सकता हूँ और वीडियो तो बना ही सकता हूँ उस पर अच्छी सी। और आपको देख, अगर मैं देख के बताऊँ अपना, सो मेरे को प्लागियस के लिए अभी कितने 48 स्कल्पचर्स हो चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि गोल्डन कीज तो नहीं खोलूँगा मैं अभी, उसके लिए सेव कर रहा हूँ। जो लास्ट वीक होगा इसका अपना ल्यूक्रिन स्क्रॉल का, सो उसमें ये होता है ना चैलेंज वीक 8 में कि मतलब आपको इतनी गोल्डन कीज खोलनी है, जैसे इसमें अभी आ रखा है। सो मैं एक साथ ही खोल दूँगा, तब वो ज़्यादा सही रहेगा। सो अभी मैं अपना क्या कहते हैं सारे अपने गोल्डन, ये सॉरी सिल्वर चेस्ट खोल रहा हूँ, मे बी इसमें प्लागियस के स्कल्पचर्स मिल जाएँ। सो लेट्स सी, पहले तो ये आता है, सो ओपन ऑल करते हैं, मे बी कोई मिल जाए अच्छा सा, मेरे को दिखानी है, देख नहीं पाया। सो कुछ स्पीड अप्स मिले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिला, घटिया चीज़ें हैं। स्टार्स ठीक है, प्लागियस नो प्लागियस। सो लगता है यूनिवर्सल यूज़ करने पड़ेंगे। सो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मैंने उसी के लिए सेव कर रखे थे, तो क्या प्रॉब्लम होनी है। तो अब इसकी स्किल्स की भी बात करेंगे। सो आप देख सकते हो गया, इसे करें अपग्रेड, हो गया 5555। और एक्सपर्टीज अनलॉक, बूम, ऑथ ऑफ ये क्या है SUR जो भी है। सो एक्सपर्टीज अटेंड। सो एक और कमांडर आ चुके हैं हमारे गैंग में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में बस एपिक कमांडर्स हो गए हैं, बहुत सही लग रहा है मेरे को। और आज यही बात करेंगे कौन सा नेक्स्ट रोगा मैं एक्सपर्टीज जिसमें फोकस रहेगा। सो देखते हैं, तो चलो इसके स्किल्स की बात करते हैं पहले। वैसे कितना सही लगता है यार ये पर्पल लाइनिंग एंड बॉबा। सो मतलब वैसे मैं बताऊँ तो ये बहुत सही कमांडर है, मतलब अगर आप मैं बताऊँ तो काफ़ी प्लेयर्स हैं ना इसे
एज अ प्राइमरी यूज़ करते हैं, और मे बी दूसरे जो भी और लेजेंडरी को सेकेंडरी, मतलब बहुत सही है ये कमांडर अगर आप बताऊँ तो। बट इसका ये है कि ये सिंगल टारगेट डैमेजेस कम ही जाते हैं, सिंगल टारगेट है बस इसके, ये देख रहे हैं। और तो वैसे बहुत सही है, ब्रिज इंजन है, हीलिंग करता है, गैरिजन है, कैवलरी कमांडर है। सो और बताऊँ क्या कहते हैं, जो कैवलरी प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली पहले पलागस को ही एक्सपर्टीज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पलागस बहुत सही कमांडर है। और उसको मतलब अगर जैसे आप बार अपना फार्म हंटिंग कर रहे हो तो मतलब ये काम नहीं आएगा, बट एज ए सेकेंडरी हर जगह काम आ सकता है ये, मतलब कैवलरी बेस्ड। और प्राइमरी तो मतलब बहुत ही सही है। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट स्किल है चार्ज। सो इसमें कि डील अ मैसिव डैमेज ऑफ 300 टू द टारगेट, ये सारे एक्सपर्टीज होने के बाद हुआ है। सो और एडिशनल 300 वो भी ई सेकेंड मतलब जैसे फर्स्ट टर्न में आपने 300 डैमेज किया, फिर जो नेक्स्ट टर्न होगी उसमें आपका ये 300 डैमेज होगा, और आप रेज देख सकते हो मतलब 100 मतलब होती जाएगी आफ्टर यूज स्किल यूज़ करने पर। तो मतलब काफ़ी सही है, रेज इंजन अच्छा है। और ये तो मैंने आपको बताया होगा पहले भी वीडियोज़ में, जो एक्सपर्टीज स्किल होती है वो मतलब एपिक्स में वो हमेशा फर्स्ट फोर स्किल में उसका मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। सो ये भी वही है, एक्सपर्टीज स्किल है, पहले इसका कुछ 10% था, अब 15% हो चुका है। पहले ये मतलब 10% था कि 10% अटैक ऑफ कैवलरी यूनिट्स एंड 10% डिफेंस। और नेक्स्ट है रीटेकिंग लॉस्ट टेरिटरी, सो ये है पूरा गैरिसन बेस्ड, बट कोई यूज़ नहीं करता उसे गैरिसन में, मतलब जब कम पावर होती है सभी की, मतलब जब एक ही एक्सपर्टीज कमांड होता है तो हाँ कर लेते हैं, बट वैसे यूजली कोई नहीं करता। और ये है नेक्स्ट अपना हीलिंग का द म्यूटिनर, सो इसमें है कि 10% चार्ज की है 2 सेकंड्स के लिए, एवरी 2 सेकंड्स में आपको 450 का हीलिंग फैक्टर मिलेगा। सो बहुत सही है अभी, और एक्सपर्टीज तो आपको पता ही चल गया 15% कैमरे। सो Reconquista comienza ahora. The Reconquista begins now. सही है। तो अभी और नेक्स्ट कमांडर कौन सा करेंगे एक्सपर्टी उसकी बात करते हैं। ओके तो अब बात करते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा कमांडर है एक्सपर्टीज करेंगे। सो यार मैं काफी दिनों सोच रहा हूँ कि लोहार को एक्सपर्टीज करूँ, मेरे को बस क्या कहते हैं अपना कुछ 67 स्कोप चाहिए। और बट यार क्योंकि ये मेरे को अपना इससे लोहार ट्रायल से जो मिलते हैं कूपन उससे भी हो सकता है, तो अभी बट यार लोहार बहुत सही है यार एक्सपर्टीज, मतलब ये बार भी नहीं और केवी के स्टार्ट होना तो मेरे को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इसके एक्सपर्टीज वाले की। सो अब नेक्स्ट किसे करूँगा एक्सपर्टीज, तो ये है बड़ा क्वेश्चन। सो मेरे पास रह गया ऑल जी बाइबर्स मिस्टर ये वही बात है। सो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी बंदों ने बताया, क्योंकि मैं अगर एक्सपर्टीज ना इस बार एक्सपर्टीज का देखूँगा कि कौन मतलब एक्सपर्टीज का मतलब एक्सपर्टीज में सबसे सही है। सो ऑल जी का एक्सपर्टीज वही है नॉर्मल है, कैवलरी के बेस पे है और इसका इन्फेंट्री बेस पे। सो इतना कुछ खास नहीं है ऑल जी का, बेसिकली जैसे ये क्या कहते हैं वॉल्स में या गैरिसन में और ओपन फील्ड में काफ़ी सही है, और अगर इसे आप संसू के साथ पेयर करो तो बहुत सही है बंदा। बट बहुत बड़ा वाला बट है। सो नेक्स्ट है बाइबर्स और मैंने उसमें यूज भी किया, तो मतलब बहुत सही कर रहा है बाइबर बहुत ज्यादा उसका, ये वाला स्किल ये बहुत सही है इसका। ऑल जी में कोई हीलिंग फैक्टर नहीं है इसलिए मेरे को वो थोड़ा वो लगता है, बट इसका भी हीलिंग तभी होता है जब जैसे आप फाइट कर रहे हो और मतलब सिटी को रिटर्न करने वाले होते हो,
तभी, क्योंकि इसका ये जो स्किल है आप देख सकते हैं, ही इज अ पोर्शन ऑफ स्लाइटली वाउंडेड जो भी 200 अपॉन लीविंग बैटल, मतलब जब आप बैटल लीव करोगे तभी आपको, और ये भी लिखा है बट नॉट वैन रूटेड, मतलब रूटेड मतलब जैसे कि आप जैसे कि डिफीट हो गए तो आपका रूटेड हो गया जो भी होता है वो आर्मी, तो मतलब उस टाइम ये हीलिंग नहीं होगा, ये है इसमें। और लास्ट है मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है इसका, सही में मतलब एपिक्स में सबसे ज़्यादा डैमेज अपना क्या नाम है हर्मन का है 1150, उसके बाद है अपना ऑजमन का 1100। सो और ये डेज भी डिक्रीज करता है, और सबसे बढ़िया इसका साइलेंस द टारगेट फॉर 2 सेकेंड, मतलब बेस्ट है ये साइलेंस करने वाला। सो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। So, कौन सा जल्दी हो सकता है वो देखते हैं पहले। सारे कमांडर्स अच्छे हैं और एक टाइम पे मेरे को सबको एक्सपर्टीज करना है। सो 13 अब इसके 13 स्कल्पचर्स है इसमें और ये 553 है। और वेयर इज माय ऑलजी, सो ऑलजी का है 553। सुनराए कुंदर खंगहारा क्या कहते हैं, कितना चौधरी थोपल कोस्टा, तो मतलब 5 कम उससे। सो अभी मैं डिसाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा रुक जाऊँ थोड़े, अभी मेरे को पता है पूरा डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे को काफ़ी बंदों ने बोला कि काफ़ी मतलब 50% बोले कि ऑल जी, हर्मन के लिए कह रहे हैं काफ़ी, मतलब 10% मान सकते हो, मतलब 40-40 वाइबर्स और ऑल जी के लिए और 20 हर्मन के लिए। हर्मन ज़्यादा अच्छा दोनों से, इन दोनों को ज़्यादा वो कर रहे हैं प्रेफर, क्योंकि कैवेलरी वाले सारे वाइबर्स कह रहे हैं और इन्फेंट्री वाले सारे ऑल जी कह रहे हैं, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है खूंगी मान किसे करो मान जो। सो अगर आप लोगों को खुशी हो तो हां आप मतलब बता सकते हो कौन सा सही है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। वैसे सही है यार, ऑल जी भी अच्छा है यार, बाइबल भी अच्छा है, तो मैं अभी बताऊं क्या कर सोच रहा हूं। अभी मैं दोनों को होल्ड पे रखता हूं, जिसके कमांडर्स के स्कल्पचर ज्यादा होंगे मैं तब तक सेव भी करूंगा मैं ये यूनिवर्सेस, फिर तभी अपने सारे ये एक ही कमांडर पे यूज़ कर लो। अब तो अभी दोनों होल्ड पे हैं इसलिए 553 हैं, तो मे बी जब मैं अपने गोल्डन कीज खोलूँगा जो कि 131, तो तभी देख लेंगे, अभी तो रुक जाते हैं। तो मेरा पलागिस हो गया और मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है अंदर से। और नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइट वर्सेस डार्कनेस की, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सभी मतलब हर बंदा एक्साइटेड है। और आपको मैं अगर अपना ग्रुप चैट दिखाऊँ भारत वाला या कौन सा आई डोंट नो नाम भूला, इंडियन आर को एक आर ओ के कम्युनिटी, सो इसमें आप देखते हो सभी यही चल रहे हैं कि के वी के वाला बातें चल रही सभी में आप, और सभी जानती हैं यार मेरे को भी ए पी चाहिए यार, कितना ज़्यादा इस बंदे के पास ए पी यार, कितना है इसके पास 54 and 96, सो 100 के ऊपर ही है, नहीं 150 है, हाँ 150 है इसके पास, बैन बहुत ज़्यादा है, और इसको मैंने ऐड नहीं करा, इसको ज़्यादा ही लग जाएगा फिर तो। सो इसके बाद बहुत ज़्यादा ए पी एस बंदे के पास, कोई दिक्कत नहीं है, 290k बैन मेरे पास ही कम है यार, पता नहीं कैसे है। ओके देखते हैं एक बार। सो हाँ मेरे को भी अभी पता चला कि इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं जो लाइट वर्सेस जो टॉप 3 है, जैसे 1322 है, तो ये 1059 जो अपना जे डब्ल्यू एम है या मतलब बाबा वो ये सारे हैं जिसमें, तो वो उनको 1059 मतलब इन दोनों की पेयर मतलब ये दोनों एक साइड रहेंगे, 1337 मतलब 1244 से लड़ेगा, मतलब जैसे आपको पता होगा क्या कहते हैं लॉस्ट किंगडम का मैप,
सो जो चारों तरफ से 8 किंगडम्स होते हैं, दो 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 पेयर बनेंगे, तो 3022 1059 के साथ रहेगा, 1337 1244 और 1076 रहेगा 1036 और 1129 1042। बैम, देखते हैं। और मतलब हर बंदा बहुत ज़्यादा हाइप्ड है यार, कसम से बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाऊँ तो एक सेकेंड, मतलब बंदों ने तो वो भी लगा रखे हैं टाइटल्स, क्या कहते अपने, ये देखो अस अगेन जे डब्ल्यू एम बाय हाइप मार्कर, सॉरी। और मतलब हर बंदा काफ़ी एक्साइटेड है, तो कसम से बहुत मज़ा आएगा। ये बंदे अपने भेज रहे हैं यार, इतना एपी कहाँ से आते हैं बंदों के पास। मैंने ज़्यादा ही यूज़ कर लिया फर्स्ट केवीके में क्योंकि जो मेरा केवीके फर्स्ट था उसमें आप याद होगा कि मेरा कुछ 223 रैंक था, कुछ मतलब ऐसे आसपास था। वो अलग बात है, मेरे को स्किन नहीं मिली, वो टॉप 20 वालों को मिलती हैं, बट मेरे को लेजेंडरी स्कल्पचर्स मिल गए थे, वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास अभी ज़्यादा एपी नहीं है कसम से, अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास कुछ 50 के होगा ज़्यादा ज़्यादा, देखते हैं। हाँ, इसको देख के बहुत रोना आता है, अगर ये इतना होता ना तो हाँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो 26 6 32 32 5 37 और इसका हाफ कितना होगा, 34 का 17, सो 34 और 17 51, सो 51 बस 51 के मेरे पास एपी पॉइंट्स हैं। और बहुत मतलब आप कह सकते हो बहुत बहुत गलत बात है, क्या करें यार। और हाँ, एक और बात है, और मतलब मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा अनलक्की हूँ, कैसे ये देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो कहाँ गया वो, हाँ तो मेरे फार्म में आप देख सकते हो मुझे को क्या मिला। और मैं वैसे जब स्पिन करता हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलता, ये देखो, मतलब 10 लेजेंडरी स्कल्पचर्स, 9 मतलब अपने रैमसेस के और एक लेजेंडरी, मतलब हद होती है यार। मेरे को वैसे नॉर्मली अपने जो नॉर्मल अकाउंट है उसमें नहीं मिलता, क्यों यार। आज मैंने 10 स्पिन कर लिए थे वैसे, आ गया मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मैं ज़्यादा इस पर यूज़ नहीं करता। और अभी एक नया इवेंट आने वाला है, आपको ही पता होगा, वो एंड ऑफ समर का कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा उसको क्या कह रहे थे। सो उसमें आपको याद है कि मतलब वो 7000 जेम्स स्पेंड करके फिर वो जो भी सिटी स्किन एंड ऑल, तो मैं उसके लिए अभी इसलिए अपने 7000 जेम्स बचा के रखे हैं। ओके, तेज किंग बन चुके हैं, तेज बाकू तेज रेक्स जो भी नाम है। सो कहाँ था मैं, रैमसेस, सो मेरा रैमसेस का ये रहा। सो मेरा भी 3 हो चुका है, 300। माय नेम इज ऑज़िमंडेयस, किंग ऑफ किंग्स। और मेरे को काफी बंदे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर तेरे को रैमसेस यूज करना है तो 5511 कर ले, काफी सही रहेगा, तो करेंगे उसे भी। ओके, तो बस यही है गाइस अभी पूरी वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। और अभी अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट कल डालूंगा मैं वीडियो। और मैं अभी ये वाला ब्लूप्रिंट, क्या कहते हैं इसको, द गेट कीपर्स शील्ड था, तो इसको मैं अभी कंबाइन करूँगा, या मतलब कह सकते हो इसे फोर्ज करने वाला हूँ। सो देखते हैं इसे भी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस बार केवीके ख़तरनाक होने वाला है, मैं मानता हूँ मैंने 2 केवीके स्किप करा है, बट मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि मतलब जे डब्ल्यू एम के अगेंस्ट हमारा हो जाएगा किंगडम, क्या पता यार। तो बस गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब तो डेली कंटेंट बनते रहेंगे क्योंकि केवी के है स्टार्ट और जे डब्ल्यू एम है। और हाँ, और 1059 में मतलब वो है, क्या कहते हैं, स्वैगर है अपना, क्या नाम है उसका,
स्वैगर है, बाबा है, अपना गैको गैको भी है। सो मतलब इतने सही सही प्लेयर्स हैं, मजा आने वाला कसम से यार। तो थैंक यू गाइस, देखते रहना यार, बहुत मजा आने वाला इस बार। लव यू ऑल, बाय।